डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन जो है ये हमने देखने क्या होते हैं, किस तरह निकालोगे, क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लो कि होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन एंगल। वही बात है कि यहाँ पे आप तीन एक्सिस कंसीडर करते हो। जो आप पहले चैप्टर टू और थ्री में पढ़ते थे वो टू डायमेंशन होता था, 2D जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर दो एक्सिस आप ले देते हैं। यहाँ पे आप तीन एक्सिस लोगे, शुरू के एक्सिस तो वही हैं, एक एक्सिस इस तरह होगा, एक एक्सिस इस तरह होगा और एक इस तरह होगा। अब इसको समझने का तरीका ये, क्योंकि ये बोर्ड जो है वाइट बोर्ड, ये टू डी है ना, मतलब ये पेज अगर आप इसको कंसीडर करो इसमें दो डायमेंशन, आप इस तरह जा सकते हो इस तरह, ये आउट नहीं आप निकल सकते क्योंकि टू डायमेंशन चीज है। टू डायमेंशन पे आप कैसे बनाओगे बाहर की तरफ, ये वेक्टर जो है ये बाहर की तरफ है। इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि ये वाला एक्सिस जो है वो इस तरह है, दूसरा वाला एक्सिस इस तरह है और जो तीसरा वाला एक्सिस है वो इस तरह है। थोड़े से टेढ़े होंगे, आपस में 90 डिग्री बनाते हैं सारे, ये है। तो तीसरा वेक्टर जो मैंने बनाया हुआ ना ये आउट है पूरा, लेकिन आप इस बोर्ड पे बना नहीं सकते तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया हुआ। नॉर्मल में इस तरह होते हैं ये, ठीक है। ये सब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है। तो ये तीनों एक्सिस आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बना रहे होते हैं। तो ये तीन एक्सिस सिस्टम है जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। रियल लाइफ में कोई भी चीज होती है वो तीन डायमेंशन होती है, टू डायमेंशन कोई चीज नहीं होती। ये हमारे एक वाइवा में सवाल हुआ था, कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, तो उसके सामने ना एक ब्लॉक रखा था। ब्लॉक आपने देखा होगा, मतलब वो वुडन ब्लॉक था, मतलब कोई सीमेंट का ब्लॉक नहीं, उन्होंने ईंट वो ईंट नहीं रखी थी, एक वैसी वुडन का ब्लॉक था और स्क्वायर शेप थी उसकी। तो सर ने वाइवा में सवाल पूछा ये शेप क्या है, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उसने बोला स्क्वायर, सर ने 0 नंबर दिए उसको। उसकी वजह यह कि स्क्वायर एक टू डायमेंशन शेप है। आप रियल लाइफ में किसी भी स्क्वायर टाइप की शेप को स्क्वायर नहीं बोल सकते, उसको आप क्यूब बोलते हो, क्योंकि रियल लाइफ में स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता ना, स्क्वायर टू डायमेंशन शेप है। वो जो उसके पास ब्लॉक था वो तीन डायमेंशन का था, जाहिर सी बात है उसकी तीन डायमेंशन थी। जैसे ये बोर्ड है, एक इसकी ये वाली डायमेंशन है, एक इसकी हाइट है और एक इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो रियल लाइफ में तीन डायमेंशन होती है। तो स्क्वायर जो है इसी तरह रेक्टेंगल सर्किल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, स्क्वायर को हम क्यूब कहते हैं। तो रियल लाइफ में जब आपको स्क्वायर नजर आए तो उसको स्क्वायर नहीं बोलना, उसको हम क्यूब कह रहे होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल को हम क्यूबॉइड बोल देते हैं, सर्किल को स्फीयर बोल देते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये पूरा सिस्टम होता है। अब इसकी नेमिंग क्या होती है, बाय डिफॉल्ट जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, नेमिंग आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज रखी जाती है उसी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि सब बुक्स में उसके हिसाब से वैल्यूज हर चीज होती है। तो स्टैंडर्ड ये है कि इस वाले एक्सिस को आप लेते हो, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको आप एक्स एक्सिस लेते हो थ्री डायमेंशन के अंदर। टू डायमेंशन के अंदर तो आपको पता है ना कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, लेकिन थ्री डायमेंशन में ये x एक्सिस लेते हैं हम, इसको y लेते हैं और इसको z एक्सिस लेते हैं। ये हमने नेमिंग का स्टैंडर्ड रखा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर आपने पढ़े होंगे i, j, k। अच्छा, हर वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। सवाल ये है कि आपने यूनिट वेक्टर इनफाइनाइट निकाल सकते हो, आप कोई भी एक वेक्टर पिक करो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन तीन स्पेसिफिक किस्म के यूनिट वेक्टर हैं जो एक्सिस की डायरेक्शन में हैं। जैसे एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप आई कहते हो। तो है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन स्पेसिफिक बात क्या है इसके बारे में कि ये एक्स की डायरेक्शन में होता है। बाकी कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, जैसे अगर आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वो इसी की डायरेक्शन में होगा। जैसे लेट कर लो, अगर आप इस वेक्टर को बनाओ तो ये इस तरह बन रहा है, तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन आई ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स की डायरेक्शन में होता है। इसी तरह जे जो है वो यूनिट वेक्टर है जो वाई की डायरेक्शन में, और के जो यूनिट वेक्टर है वो जेड की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आई जे के की डायरेक्शन बता दी है। अच्छा, आई जे के ये भी हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना, मतलब नाम में वेक्टर तो आ रहा है, इसका मतलब इसको वेक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे आई को, आप इस तरह लिख सकते हो। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट वही है, आपको पता होगा जब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता था, मैं उसी तरह आपको समझा रहा हूँ जैसे आपने चैप्टर 2-3 में पढ़ा था, कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता था उसकी वाई वैल्यू 0 होती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये जो आई है ये एक्स डायरेक्शन में ना, तो इसकी वाई और जेड वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। इसको आप उस तरह आसानी से समझ सकते हो। और इसकी एक्स वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह आप जे भी लिख सकते हो। अब आप लोग खुद बता सकते हो जे क्या हो जाएगा, 0, 1, 0, उसका वाई कंपोनेंट होगा लेकिन एक्स और जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और जो के
यूनिट वेक्टर है जेड की डायरेक्शन में, उसको वेक्टर की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यूज़ है, तो इसको भी आप लोग जहन में रखो। अच्छा, अब आ जाओ टॉपिक पे। जो डायरेक्शन एंगल मैंने आप लोगों को बताने थे, डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन कोसाइन, दो अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है? तो ये होता है कि अगर आप कोई भी पोजीशन वेक्टर बनाओ। अच्छा, आपको अभी डायग्राम में समझ नहीं आएगा, मैं तभी डायग्राम के बगैर समझा रहा हूँ, उसके बाद डायग्राम पे मैं बना लूंगा, क्योंकि एक तो मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, ऊपर से टू डायमेंशन में मैं थ्री डायमेंशन चीज़ बना भी नहीं पाऊंगा। तो ज़रा डायग्राम वैसे समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। मैं पहले अपने एक्सिस बना लूँ। अच्छा जी, ठीक है, बस गुजारा कर लो इसे। ये तीन एक्सिस हैं आपके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जरा कॉन्सेप्ट समझो डायरेक्शन कोसाइन का होता क्या है। अगर आप इस थ्री डायमेंशन में कोई भी एक पोजीशन वेक्टर बनाते हो, पोजीशन वेक्टर का मतलब वही है कि जिसकी इनिशियल साइड ओरिजिन के ऊपर होगी, ये वाला वेक्टर। अगर आप इस वेक्टर को देखो, अच्छा ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तीनों एक्सिस, मेरी उंगलियां टेढ़ी हैं, ज़हन में रखना 90 डिग्री बनाते हैं। ये जो मैंने वेक्टर बनाया, इसका इनिशियल पॉइंट देखो ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन ये वाला पॉइंट होगा ना, इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट इसका कहीं भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन के ऊपर है। तो अगर आपने थ्री डायमेंशन में कोई भी एक पोजिशन वैक्टर बनाया, कोई भी पोजिशन वैक्टर बनाया, वो पोजिशन वैक्टर जो x से एंगल बनाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है और ये x एक्सिस है, तो ये जो पोजीशन और x के दरमियान एंगल बन रहा है, इसको आप अल्फा कहते हो, ठीक है। ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो y एक्सिस है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसको आप बीटा कहोगे। और पोजीशन वेक्टर और z, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? गैमा बोलोगे। तो ये जो मैंने अभी तीन एंगल डिस्कस किए ना, इनको आप कहते हो डायरेक्शन एंगल्स। ये ट्राइंगल वाले नहीं होते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि स्टूडेंट वहां से कॉन्सेप्ट आते हैं और फिर वो समझते हैं कि ये चीज भी इसमें होगी सेटिस्फाई। ये सिर्फ ट्राइंगल के अंदर होती है कि अगर अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल हैं, तब इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। यहां पे इस कॉन्सेप्ट को ना लगा देना, यहां पे सम 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जहन में रखना है अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल में अलग होते थे, यहां पर जो अल्फा बीटा गैमा होंगे ना, वो डायरेक्शन एंगल होंगे, उनके मैंने डेफिनेशन भी बता दी है। अब लेट करते हैं पोजिशन वैक्टर मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अब आपको दिखने में लग रहा है ये Z और Y पे मैंने बनाया हुआ है, लेकिन ये आउट आया हुआ है, अब आउट मैं दिखा नहीं सकता। बहरहाल, तो इस वेक्टर का अल्फा जो X एक्सिस से एंगल बन रहा है, इसको अल्फा बोलोगे। इस वेक्टर का जो Y एक्सिस से बन रहा है, वो बीटा हो जाएगा, और इस वेक्टर का जो इससे बन रहा है, वो गैमा हो जाएगा। तो आपको दिखने में लग रहा है ये 180 डिग्री के बराबर हो ही नहीं सकता, 180 डिग्री से ग्रेटर ही होंगे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। MCQs में इस तरह पूछ सकते हैं कि अल्फा डायरेक्शन एंगल है, वो पोजीशन वेक्टर और किस एक्सिस के दरमियान होता है? तो अल्फा पोजीशन वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान होता है। इसी तरह लेट्स से गैमा के बारे में पूछ लिया जाए, तो गैमा डायरेक्शन एंगल जो है, ये पोजीशन वेक्टर और जेड एक्सिस के दरमियान होता है। तो इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्शन एंगल के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन, बड़ा इजी है वो, तो कि जो आपके पास डायरेक्शन एंगल है ना, इनका आप कॉस ले लो, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। कहने का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इसको आप क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइन। बस आपने डायरेक्शन एंगल का कॉस ले लिया, तो आप वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाया जाएगा। ये तो इनके कॉन्सेप्ट हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट इससे रिलेटेड आता है कि अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इनको ऐड करोगे, हमेशा रिजल्ट 1 के बराबर होता है। बड़ा मशहूर MCQs है। जो डायरेक्शन कोसाइन है, इनके आप स्क्वायर करो और ऐड करो, रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर होता है। बड़ा मशहूर MCQs है। दूसरा पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप निकालोगे कैसे। लेट कर लो आपके पास एग्जाम में आ जाए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक वैक्टर आ जाता है, कोई ईजी वैक्टर कंसिडर करते हैं, आई प्लस जे प्लस के। इससे ईजी वैक्टर क्या होगा कि आई जे के सब के कंपोनेंट क्या है? 1 के बराबर है। आपको बोला जाए इस वैक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ठीक है। अच्छा, कोई भी वेक्टर है, आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, हर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कैसे निकालोगे? आपने क्या करना है, आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कहां से आ गया पहले निकालो, फिर बताता हूं यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, सब 1 है, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा √3 के बराबर। अब जरा इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड।
ठीक है, आप एलसीएम ब्रेक करके लिखते हो नॉर्मली सिंप्लीफाई करके, तो एलसीएम ब्रेक करो इसका, ये हो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। मैंने बेसिकली एलसीएम ब्रेक कर दिया और तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, अब दोबारा सवाल पे आ जाओ, जो सवाल था कि अगर आपको इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तीन डायरेक्शन कोसाइन आएंगे ना, तो आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का जो आई कंपोनेंट होगा वो बेसिकली होगा कॉस अल्फा, यूनिट वेक्टर का जो जे कंपोनेंट होगा वो बेसिकली होगा कॉस बीटा, और यूनिट वेक्टर का जो के कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस गामा। ये इतना सिंपल है। तो अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, आप आराम से उसका यूनिट वेक्टर निकालो। जैसे ही आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाए, जो चीज आई के साथ लिखी हुई है वो कॉस अल्फा हो जाएगी, जो चीज जे के साथ लिखी हुई है वो कॉस बीटा, और जो चीज के साथ लिखी होगी वो कॉस गामा हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। तो ये टॉपिक डायरेक्शन एंगल और कॉस, ये तो मैंने रिविजन करवाई है, ये असल टॉपिक था आज की क्लास का, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो। टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आखिर क्या बात बोलिए? हाँ हाँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा बीटा नहीं बोलना, कॉस अल्फा कॉस बीटा। नहीं यार, साइन अल्फा नहीं आता, क्योंकि टॉपिक जो है ना ये डायरेक्शन कोसाइन का है, कोसाइन से आप समझ जाओगे कॉस मांगा जाता है उनसे। तो अगर तो आपको अल्फा बीटा गैमा दे दिया जाए ना, मतलब डायरेक्शन एंगल दे दिए जाए, तो फिर आप उनके साइन निकाल सकते हो, लेकिन ये आता नहीं है क्योंकि टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन क्या, और यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाते हैं, तो टॉपिक आता नहीं कि वो आपको डायरेक्शन साइन का बोलेंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा। या किसी और का सवाल, अगर नहीं सवाल तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आवाज अटक रही है। अच्छा यार, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज में सबको, क्योंकि स्टूडेंट ने शिकायत की है बस। नो सर। तो बाकी भी दो तीन और बंदे बता दो, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम है तो फिर मैं ठीक कर लूं। सर बाकी उनको क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ माइक्रोफोन को, थोड़ा मसला ना हो आप लोगों को। अच्छा जी, अब यार बहुत ही मशहूर टॉपिक है, आप लोग मेरे ख्याल में अपनी बचपन की क्लासेस में मैट्रिक से फिजिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा, इस चैप्टर में और भी बाकी टॉपिक हैं काफ़ी, जैसे एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है, इसी तरह रेशो फार्मूला भी है इसके अंदर, लेकिन एनआईटी में मैंने और कितनी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि इनको खास अहमियत नहीं दी जाती, ये काइंड ऑफ 5 नंबर के सवाल में आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में देते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ये करवा नहीं रहा। तो जो टॉपिक है ना हमारा वो है प्रोडक्ट का। आपने देख लिया कि वेक्टर को ऐड किस तरह करना है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, अब हम देखेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसको ज़रा सर्च करके आना क्योंकि मुझे भी नहीं अभी पता। सवाल ये है कि वेक्टर को डिवाइड किस तरह करेंगे। मेरे नज़दीक वेक्टर का कोई मैट्रिसेस में, अच्छा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती। आपने मैट्रिक्स की एडिशन पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन पढ़ी है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ी है, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती। तो क्या ये चीज़ वेक्टर के अंदर भी होती है, मतलब क्या दो वेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मेरे अभी जहन में सवाल आया, मैं भी सर्च करूंगा, आप लोग भी करना, कल इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है स्केलर प्रोडक्ट, या आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो। मतलब क्या है इसका, नाम ये बता रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट, कहने का मतलब वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं,
कैसे करेंगे? अच्छा मैं एक सवाल देता हूँ, 1, 2, 3, या चलो मैं इजी कर देता हूँ, आई प्लस 2j + 3k और माइनस आई प्लस 2j - 3k। अरे मुझे वैसे बाय द वे इसका तरीका नहीं पता अभी, सिंपल सी बात है, अगर किसी को पता है डिवाइड किस तरह करना है तो शेयर कर लो, अच्छी बात है, हम सीख जाएंगे। हाँ स्केलर डिवीजन तो होती है, इसके मैग्नीट्यूड की भी डिवीजन हो सकती है, लेकिन वेक्टर्स की डिवीजन कैसे हो सकती है मुझे समझ नहीं है। जिस स्टूडेंट ने कहा था कर सकते हैं वो जरा माइक्रोफोन ऑन करके बता दे मुझे। चलो सर्च कर लेना इसको, मैं भी कर लूंगा, देख लेंगे फिर। मैट्रिसेस में तो नहीं होती, मुझे जहां तक लगता है वेक्टर्स के अंदर भी नहीं होती, क्योंकि अगर ये होती तो बाकायदा पढ़ाया जाता। अच्छा जी आ जाओ भाई डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर को दो तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में आपको एक स्केलर मिले, स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर मिल रहा है, 2, 3, -4, √2, कुछ भी आपको चीज़ मिल रही है, तो उस प्रोडक्शन को आप क्या कहते हो, उस मल्टीप्लीकेशन को आप क्या बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट। कि ऐसी मल्टीप्लीकेशन जिसके रिजल्ट में आपको कोई नंबर मिल रहा है, कोई स्केलर मिल रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप डॉट के जरिए से शो कर रहे होते हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, असल में जो इसका ओरिजिनल नाम है वो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, शो किस तरह करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, लेट कर लो दो वेक्टर है ए और बी, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और ये स्केलर प्रोडक्ट है, आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। अच्छा इसी फॉर्मूले को कॉस थीटा भी लिखा जाता है, और कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कंफ्यूज नहीं है, दूसरी नोटेशन है, इस तरह भी लिखा जाता है। अच्छा स्टूडेंट समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, तो ये एक ही बात है, इस नोटेशन का मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है मतलब थीटा, सही है, तो यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं वो और कॉस ए भी लिख सकते हैं, समझ जाना, बात वही है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस निकालना है, तो दोनों नोटेशन सेम होती है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला होता है जिसके जरिए से आप किसी भी दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हो, उस वक्त जब आपको वेक्टर ए पता हो, वेक्टर बी पता हो और उनके दरमियान एंगल पता हो, तब आप इस फॉर्मूले के जरिए से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर ये चीजें नहीं गिवन तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक और चीज देख लो, अगर आपको इस फॉर्मूले से एंगल निकालना है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल, इसको आपने डिवाइड करवा दिया, तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। अगेन एंगल अगर आपको निकालने को बोला जाए तो आपको दोनों वेक्टर पता होने चाहिए या उनका डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड भी आपको पता होने चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो और आपको वेक्टर्स ना पता हो, ठीक है, या चलो वेक्टर्स पता हो एंगल ना पता हो, ठीक है, अब आप किस तरह निकालोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से हम समझाते हैं उसको। जैसे लेट कर लो एक वेक्टर ए है, सिंपल कंसीडर करते हैं आई प्लस 2j + 3k और ए को कंसीडर कर लेते हैं 4i + 5j + 6k, ये दो वेक्टर हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। अब सवाल यह है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, लेकिन एंगल कैसे निकालोगे, एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि अगर एंगल का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना इसके अंदर, तो फिर वही बात आ गई, डॉट प्रोडक्ट तो निकालना है आपको। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप दोनों वेक्टर में जो उनके आई कंपोनेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करो प्लस जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो प्लस के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। तो इधर 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा 14, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो दो चीज़ें आपने देख ली कि डॉट प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट से आपने निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं, दूसरी चीज़ दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट में आपको एक नंबर मिल रहा है, तो दैट्स वाई इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तरीका है, सबसे बेसिक चीज है कि आप किसी भी दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। अच्छा अगर कोई कंपोनेंट जीरो हो, लेट कर लो आपको वेक्टर में ये चीज नजर नहीं आ रही, तो समझ जाना इस दूसरे वाले वेक्टर का के कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर किसी भी वेक्टर में कोई कंपोनेंट नहीं है
तो फिर आप उस कंपोनेंट को कंसीडर ही ना करो। अगर इसके अंदर के कंपोनेंट नहीं है तो फिर आप इस वेक्टर का भी के कंपोनेंट कंसीडर ना करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात होगी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट से सबसे रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स हैं एंगल से रिलेटेड। वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब होता है कि उनके दरमियान एंगल जीरो डिग्री बन रहा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस। कॉस अगर वो पैरेलल है मतलब एंगल जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो ये पूरी चीज वन हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा ये वाला, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा ए बी के। अच्छा, इनको खाली इस तरह भी लिखा जाता है ए बी, जब खाली लिखा हुआ ना इस तरह तो समझ जाना मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब हम एरो भी नहीं लगाते दोनों के ऊपर, इस तरह लिखा जाए इसका मतलब मैग्नीट्यूड है ए और बी का, और इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट जगह आप देख लोगे दोनों नोटेशन यूज होती है। ये वाली पूरी चीज भी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और खाली अगर मैं ए लिखूं तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है। तो अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी के बराबर होता है, और मैक्सिमम होता है बिल्कुल डॉट। इस तरह भी सवाल आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्योंकि आपको पता है ए और बी ये तो वेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर गिवन है तो ए बी तो उन वेक्टर पे डिपेंड करता है। जो असल चीज वेरिएबल है वो ये है, अगर मैं एंगल कम कर दूं, लेट कर लो मैं एंगल 30 डिग्री करता हूं, तो अब कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर कॉस कम हो गया तो इसको भी कम कर देगा। अगर मैं एंगल ज्यादा करता हूं तो फिर इसको भी बड़ा कर देगा। तो असल चीज किस पे डिपेंड करती है, कॉस पे डिपेंड कर रही होती है। तो कॉस मैक्सिमम कब होता है, वन। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, और वो किस एंगल पे होती है, जीरो डिग्री पे। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होता है, मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम कब होता है, जब वेक्टर्स पैरेलल हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा, इस पूरी चीज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। अच्छा, ये आधी बात है, जो हम बोलते हैं ना कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये आधी बात है, प्रोवाइडेड के ए और बी जो है ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी एक चीज जीरो है तो मल्टीप्लीकेशन को पूरा जीरो कर देगी ना वो। तो अगर कहीं ये बोला जाता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो तीन रीजन के तहत वो जीरो हो सकता है, या तो उसमें ए जीरो है, मतलब ए वेक्टर ही जीरो वेक्टर है, या बी जीरो वेक्टर है, तीसरा क्या था कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। इन तीन सिचुएशन के मुताबिक, इन तीन सिचुएशन में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये कहीं लिखा जाता है ना कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर की वजह से जीरो होंगे, वो इन दो की वजह से भी जीरो हो सकते हैं, कि मे बी उसके अंदर ए जीरो हो बी जीरो हो। तो तभी एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, आप लोगों के बोर्ड में भी आता है वो, पता नहीं इस दफा आया नहीं आया, लेकिन पास पेपर में आपको मिल जाएगा। क्यों, पहले बता देते हैं कि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसी तरह बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और आपका डॉट प्रोडक्ट फिर भी जीरो आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट जीरो आने की तीन रीजन है, उसमें से दो रीजन उन्होंने बता दिए कि ये दो जीरो नहीं है, तो फिर आखिरी हल ये है कि अब आपका वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो किस वक्त आ सकता है, या ये जीरो हो या ये जीरो हो, ये दोनों तो नहीं है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जहन में रखना कि वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मे बी ए और बी जीरो हो, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो इन तीन कंडीशन को आपने जहन में रखना। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब हो सकता है। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, मिनिमम उस वक्त होगा मिनिमम, ये स्पेलिंग क्या होगी है, ये मिमिनम लिख दिया मैंने, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम उस वक्त होगा जब कॉस मिनिमम होगा। कॉस मिनिमम कहां पे होता है, माइनस वन, माइनस वन मतलब 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री के बराबर है, इसको आप स्ट्रेट एंगल भी कहते हो, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो आपका डॉट प्रोडक्ट सबसे मिनिमम होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है थीटा 180 डिग्री कॉस 180 माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए बी, और ये सबसे मिनिमम है।
स्टूडेंट समझते हैं कि मिनिमम ये होता है, जीरो मिनिमम नहीं है, जो नेगेटिव नंबर है वो तो जीरो से भी कम होते हैं ना, तो मिनिमम क्या होगा, माइनस, जब आपके साथ माइनस आ गया तो उसका मतलब सबसे मिनिमम है, जीरो तो माइनस से अबव होता है ना, तो जीरो मिनिमम नहीं होता, जब थीटा 180 डिग्री है तब आप बोलोगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम है, ठीक है। ये तीन केसेस डिस्कस कर लिए, कोई सवाल यहां तक, कुछ प्रॉपर्टीज है यार बेसिक सी, हमने रियल नंबर्स में अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ये है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कि याद रखना डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप ए डॉट बी निकालो या आप बी डॉट ए निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव, एक ये बात नोट कर लेना। अच्छा, अब एक और पॉइंट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये है कि अगर आप यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आई डॉट आई निकाल रहे हो, दो यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो देखो अगर सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे जे डॉट जे, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होगा, के डॉट के, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होगा, लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के कर लो या आई डॉट के कर लो, इन सब का रिजल्ट 0 के बराबर होता है। तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर। अच्छा, ये सिर्फ आई जे की बात हो रही है, कौन सा, ये 0 के बराबर ये कह रहे हो? जी सर, 0 के बराबर क्यों होगा सर? जे सर आई ही है ना, मैं आई और जे, आई मल्टीप्लाई जे, नहीं नहीं ये मेरा जे है सर, जे ही है, ठीक सर, जे। अच्छा, इन दोनों में, इन तीनों केसेस में डिफरेंट थे, आई जे, जे के, आई के, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, और सेम के दरमियान 1 हो जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट है मेरे ख्याल में, और कोई पॉइंट मेरे पास? अच्छा हाँ, एक डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़ा मशहूर फॉर्मूला है वर्क डन का, आपको अगर फोर्स दी जाए, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दी जाए और आपको वर्क निकालने को बोला जाए, ये काफ़ी मशहूर सवाल है आप लोगों के सेकंड ईयर का, 9.7 का आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, जो बहुत दफ़ा आता है पास पेपर्स में। तो उसमें यही था कि फोर्स गिवन होती है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है, आपको वर्क निकालना होता है, तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपके पास वर्क आ जाएगा। अच्छा, सवाल थोड़ा मुश्किल करके भी दे सकते हैं, मुश्किल इन द सेंस कि वो आपको दो फोर्सेस दे दें, तो आप उन दोनों फोर्सेस को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल लेना, वो F के बराबर हो जाएगी, मतलब कंसीडर कर लो अगर आपको F1 F2 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को ऐड करना, तो आपके पास रिजल्टेंट F फोर्स आ जाएगी, और लेट कर लो आपको बोला जाए कि हमारा जो पॉइंट है ना, उस पर हमने ये दो फोर्सेज लगाई हैं और उस पॉइंट को हमने डिस्प्लेस किया है, मतलब ओरिजिनली वो इस पॉइंट के ऊपर था, D1 कह लेते हैं, और डिस्प्लेस करके इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे ले आए, अब वो D2 हो गए, तो D कैसे निकालोगे? मैंने वही बात बताई थी कि D निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा D2 - D1, जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट है, उससे आपके पास D आ जाएगा। बाकी आप वो जो क्वेश्चन नंबर 5 देख लोगे ना 9.7 का, आपको क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल वही सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वर्क आ जाएगा।